फेसबुक पे अगर फोटो अपलोड करके आप कमाना चाहते हैं लाखों हज़ारों और बहुत ज़्यादा पैसा, तो भैया देखो बहुत सिंपल सा चीज़ है, क्योंकि जब से एआई आया तो कहीं ना कहीं चीज़ों को इतना बेहतर कर चुका है कि आपके लिए बहुत आसान हो गया। क्योंकि आपने देखा होगा ऐसा बहुत सारा फ़ोटो देखोगे जिसमें कि भाई फलों से बना हुआ हाथी, फलों से बनी हुई टोकरी, या फलों मतलब या ऐसे कोई भी एनिमल जो कि लकड़ियों से बना हो, या डब्बों प्लास्टिक, ऐसा ना जाने कितने सारे। और आपने सबसे ज़्यादा इमेजेस देखे होंगे जिसमें कि बहुत सारे पुलिस वाले मदद कर रहे होते हैं, खाना खिला रहे होते हैं, ऐसा ना जाने कितनी इमेजेस, मतलब ऐसी इमेजेस जो शायद आप सोच भी नहीं सकते, वैसे इमेजेस आपको सोशल मीडिया पे इस टाइम पे ज़बरदस्त वायरल होते हुए नज़र आ रही होगी। सो सबसे बड़ा डाउट रहता है यहाँ पे, काफ़ी लोगों ने बोला कि सर आखिर में जो है भैया कुछ बताओ कि आखिर में ये कैसे बनता है, इसको हम कैसे जनरेट करें और कैसे जनरेट करें ताकि हम भी जो है इसको यूज़ करके रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसके लिए मात्र आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत है, सबसे पहली है विंग और दूसरी है गूगल ट्रांसलेट। आप कैसे इसको यूज़ करना है आप देखो समझो हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरी देखो समझो डिटेल्स में, और कैसे पोस्ट करना है, क्या पोस्ट करना है, किस तरीके से, वो सब चीज़ भी ध्यान दो, क्योंकि आपने बस ऐसे उठाया और ऐसे ही डाल दिया तो भी नहीं, मतलब तरीके को अपनाओ। जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस करो, आप देखो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर पर जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का ऐसा आपका इंटरफेस आ जाएगा, और इसको आप लॉगिन कर लेना, यानी अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के, अगर आपका है माइक्रोसॉफ्ट पे तो डायरेक्ट ईमेल आईडी पासवर्ड डाल देना, नहीं है तो क्रिएट अकाउंट कर लेना, क्रिएट अकाउंट करके आपका अकाउंट बन जाएगा, और जिसके बाद आप यहां से प्रोसेस कर पाएंगे। कैसे, जैसे आप देखें सबसे पहला आपको यहां पे ऑप्शन दिख रहा है इमेज क्रिएट का, आप नोटिस या आप यहां पे ऑल ऐप्स के ऊपर जाके भी आप डायरेक्टली यहां से भी आप जो है इमेज क्रिएट का आपके पास में ऑप्शन आएगा, देखिए ये रहा इमेज क्रिएट का, यहां से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। आप जैसे इमेज क्रिएट के ऑप्शन पर आएंगे तो आपके पास में यहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे खुल जाएगा। अब आप देखो ध्यान से समझो अब कैसे काम करता है, इसको देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है गूगल ट्रांसलेट। तो जैसे अगर आप देखोगे मैंने एक इमेज बनाया था, आप देखें यहाँ पर मैंने एक इमेज बनाया था, ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना HD में ये इमेज बना, देखिए, और मैंने जस्ट क्या लिखा था कि एक डॉक्टर गरीब औरत की मदद करते हुए, है ना, ये जस्ट मैंने लिखा था हॉस्पिटल के बाहर, तो ऐसा पिक्चर्स प्रोवाइड कराया। तो यहाँ पे मैं दूसरी एप्लीकेशन जो हम लेते हैं वो हमारी है गूगल ट्रांसलेट। जैसे आप देखेंगे ये गूगल ट्रांसलेट आ गया, और गूगल ट्रांसलेट में आपको हिंदी से इंग्लिश रखना है। अब आपको क्या करो, वो सिंपल सा काम देखो, आप यहाँ पे आप बोलो क्या बोलना है, समझो यहाँ पे, जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा इमेज क्रिएट करना कि एक बूढ़ी औरत भगवान की मूर्ति बनाते हुए रोड पर, और लोग उसको देख रहे हैं हैरानी से, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ से बोलते हैं हम लोग, एक बूढ़ी औरत भगवान की मूर्ति बनाते हुए रोड पर और बहुत सारे लोग हैरानी से उसे देखते हुए, ठीक है। सो मैंने लिखा एक बूढ़ी औरत भगवान की मूर्ति बनाते हुए रोड पर और बहुत सारे लोग हैरानी से उसे देखते हुए, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद में आप आ जाओ सीधा उस एप्लीकेशन पे, और उस एप्लीकेशन पे आने के बाद आप यहाँ कर दो पेस्ट, और आप चाहें तो यहाँ से इंडियन डाल सकते हैं, या नहीं तो जस्ट आप यहाँ पे क्रिएट पे बस क्लिक कर दो इतना। मतलब आप ये देखो जितना बेहतर आप बोलोगे, जितना अच्छी आपकी लाइन्स होंगे, उतना ही ज़बरदस्त आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलने वाला है आपकी इमेज के माध्यम से। और ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके नेट पे, जितनी अच्छी स्पीड आपकी नेट की होगी उतना अच्छा रिजल्ट है। देखिए आप देख रहे हैं कितना अच्छा रिजल्ट आया भाई साहब, क्या कमाल का यहाँ पर मूर्ति आया। देखिए आप यहाँ इमेज देखो, चार इमेजेस मिली हैं हमें, पहली इमेज आप देखोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर नोटिस करोगे, और सबसे खास बात है जितनी भी इमेजेस देखिए आप देख रहे हैं, देखो भाई साहब क्या ज़बरदस्त इमेज है, इसको यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो पहला। इसके बाद आप दूसरी इमेज देखोगे, है ना, ये भी बहुत बढ़िया है, थोड़ा कार्टूनिस्ट है लेकिन काफ़ी अच्छा है। तीसरी इमेज देखो, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, देखेंगे आप यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ लोग यहाँ पे देख रही बूढ़ी बूढ़ी, और यहाँ पे देखिए ये भी बहुत शानदार है। तो मतलब ये सब पिक्चर्स आप देखोगे ना बिल्कुल HD पिक्चर्स, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप ये देखें ये सब जितना भी है सब बिल्कुल HD पिक्चर्स है। और इतना ही नहीं, आप ये वाली पिक्चर्स देखोगे बहुत कमाल की है, ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, देखिए बहुत प्रॉपर तरीके से ये पिक्चर्स यहाँ पे जनरेट हुई हैं। तो ऐसे बहुत सारी इमेजेस आप जनरेट कर सकते हो। चलो एक और ट्राई करते हैं हम यहाँ पे, है ना, अब यहाँ पे एक हम और ट्राई करते हैं कि देखो ये वर्ड है आपके, जितना बढ़िया बोलोगे ना उतना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक 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 लाइन बोलते थोड़ा सा अलग से, है ना, एक एक हाथी बहुत मोटा सा और उसको एक पतला सा आदमी रिक्शे पर खींच के लेकर जा रहा है, है ना। तो मैंने जस्ट ये लिखा, बाकी अभी देखते हैं यहाँ से हम, मैंने ये एक वर्ड लिखा। तो इसके अलावा हम इसको करते हैं यहाँ पे कॉपी और यहाँ से पेस्ट।
अच्छा इसके में यहाँ पर मुझे ये लिखना चाहिए था एक और भी कि भाई बहुत सारे लोग उसको हैरानी से देख रहे हैं, एक ये वर्ड भी लिखना चाहिए था, है ना। तो वो वर्ड ये सब आपके जितना बेहतर आपके वर्ड्स रहेंगे उतना अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आएगा। बट अब इन सब चीज़ों को यूज़ करके ना एक बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देखेंगे आप यहाँ पे। अच्छा कुछ ऐसा कार्टूनिस्ट आया, मतलब कार्टून टाइप का आया, तो इसको अगर यहाँ पे है ना इंडियन एलिफेंट डाल देते हैं ना, तो ये आपके वर्ड्स है भैया। जितना बेहतर आप यहाँ पे बोलोगे उतना बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करो और इसको यूज़ कर अभी एक अभी आपका क्या चल रहा है कि ट्रेन का बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारा ट्रेन जो है मतलब उसके आसपास में बहुत सारे लोग उसको सेफ देखिए देख रहे हैं, इमेज चेंज हो गई पूरी, है ना। ये देखिए क्या इमेज आई है, देखिए कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया, देखिए देखिए जैसा आप बोलोगे ना वैसा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर एक ट्रेन वाला भी करते हैं, है ना, एक ट्रेन वाला भी इसको थोड़ा सा रिजल्ट देखते हैं क्या आता है ट्रेन वाला। बोलते हैं एक है ना, एक ट्रेन जो नदी के अंदर गिर गई है और उसको बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं और साथ ही साथ उसको हैरानी से लोग देख भी रहे हैं। चलो मैंने इतना लंबा बोला, पता नहीं वो समझ पाएगा भी कि नहीं समझ पाएगा, बस मैंने बोल दिया यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे हम पेश करते हैं और अगेन एक वर्ड और एक बार ट्राई करते हैं ना। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ऐसे जितना बेहतर बोलेंगे, जैसे फलों से आदमी मछली ये वो जो आपका कंटेंट है जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आप यहाँ बोलिए, जनरेट करके देखिए और उसके हिसाब से आप यहाँ पे एटलीस्ट अच्छे खासे इमेजेस आप बना के देखिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए सेम वही चीज़ आ गई जो आप यहाँ पे इंटरनेट पे देखते हो वायरल हो रही होती है। देखिए आप ये देख रहे हैं, ऐसे कुछ रहता है ना जो आप देखते हैं वायरल रहती है, इस इमेज को आप डाउनलोड करिए। अब इस इमेज को भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, जो आपको लगता है कि बेहतर है ये वाला भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो जिस हिसाब से आप बोलेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर इमेज आपको क्रिएट करके देगा। सो आई होप कि आपको सारी अच्छा। अब इतना ही नहीं, अब अगर आप यहाँ पे इमेज देखेंगे ना तो वो इमेज की जो क्वालिटी है ना भाई बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा वो आप जब देखेंगे तो आपको सब पता चलेगा। सारी इमेजेस आप देखेंगे, आप ये जो इमेज आया कितना बढ़िया आया, देखिए ये एकदम HD एकदम बढ़िया बहुत परफेक्ट तरीके से। सो इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप अच्छी खासी फ़ोटोज़ जनरेट करें और उसको जो है आप सोशल मीडिया पे अपलोड करें, अपने पेज प्रोफाइल कहीं पर भी, और बोनस को गेट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। बाकी फिर भी कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इस मेथड को यूज़ करो, कमाओ पैसा जब तक फेसबुक दे रहा तब तक। हाँ एक चीज़ है कि फेसबुक अगर AI की इमेजेस को ब्लॉक करेगा, क्योंकि जैसे उसने अपडेट ला चुके हैं, बट जब करेगा तब, बाकी तब तक जमा है ऑप्शन, तब तक कमा लो भैया। मतलब नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ।